Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं Binance tutorial, Binance से related proper training अब Crypto Marg YouTube channel पर start हो चुकी है. And this is my second dedicated video on Binance. दोस्तों, first video में How to create your account on Binance, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक पूरा tutorial बनाकर दिया था. काफी सारे लोगों ने उस ट्यूटोरियल को बहुत पसंद किया और मोर देन 10 पीपल ने मेरे रेफरल लिंक से बाइनेंस को ज्वाइन भी किया. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर द सपोर्ट. एंड यस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं. देखिए, बाइनेंस के यूजर ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है और हर यूजर को पता है कि बाइनेंस से या किसी भी एक्सचेंज से आप लोगों को क्रिप्टो टोकन्स या क्रिप्टो क्वाइंस को बाय कैसे करना है. बट क्रिप्टो के अलावा अगर हम लोग जब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो देयर आर थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. क्रिप्टो आर देयर, बट व्हाट अबाउट यूटिलिटीज, एनएफटीज, डेफी, मेटावर्स, ऐसी बहुत सारी यूटिलिटीज भी बनती है. सो चलिए, आज हम लोग वर्ल्ड की लीडिंग एक्सचेंज बाइनेंस का एनएफटी मार्केट प्लेस विजिट करेंगे और एनएफटी मार्केट प्लेस को यूज करके आप लोग कैसे बाइनेंस पर अपनी एनएफटीज को क्रिएट कर सकते हो, मिंट कर सकते हो, आप अपना वॉलेट कैसे कनेक्ट कर सकते हो और एक एनएफटी वर्ल्ड के अंदर कैसे आप लोग एंट्री कर सकते हो. बट फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप जब लोग बाइनेंस की ऐप को ओपन करते हैं, वहां पर आप लोगों को बाइनेंस एनएफटी का जो ऑप्शन दिखता है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बाइनेंस एनएफटी ऑप्शन, आपको ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जितनी भी बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज बनी हुई है, उनकी क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उनका क्या प्राइस है, वो सब वहां पर शो होता है. But still, if you want to create or you want to mint your NFTs on Binance NFT Marketplace, आप लोगों को लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है वो Binance की तरफ से रिकमेंड किया जाता है. It means, अगर आप लोगों को Binance NFT Marketplace में अपनी NFTs को mint करना है, क्रिएट करना है, तो आप लोगों को वेब वर्जन ऑफ Binance.com यूज करना पड़ेगा. तो चलिए, आज मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप पर कैसे Binance के NFT Marketplace पर हम नंबर ऑफ NFTs को देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उनकी सेलिंग लगा सकते हैं और कैसे हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में पूरी बात करेंगे. इसके अलावा, इफ यू वांट टू ज्वाइन बाइनेंस राइट नाउ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और आज उसके साथ साथ बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस का लिंक भी आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप लोग दोनों पर मेरे साथ जुड़कर बाइनेंस में और ज्यादा हम एक्सप्लोर कर पाए और एनएफटीज की हेल्प से, ट्रेडिंग की हेल्प से और बाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन की हेल्प से अर्निंग भी कर पाए. तो चलिए, How to create your NFTs or mint NFTs on Binance NFT Marketplace? The complete tutorial for you is here. Winners, सबसे पहले Binance NFT Marketplace को ओपन करने के लिए आपको सिंपली जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, ब्रेव यूज करते हैं, सिंपली सर्च कीजिए Binance NFT Marketplace और यहां पर आपको देखिए फर्स्ट लिंक में ही पता लग जाएगा टॉप कलेक्शंस Binance. Binance.com NFT Home और नीचे जो सेकंड लिंक है वो है Binance.com NFT Marketplace का. आप इन दोनों लिंक में से कोई भी लिंक को ओपन कर सकते हैं. जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को इस पर्टिकुलर NFT Marketplace को ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर Binance से ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, जिस आप ईमेल आईडी से ज्वाइन कर रखा है, सिंपली आप लोग वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को इंसर्ट करके Binance NFT Marketplace को ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए, अभी आपके सामने ऑलरेडी मैंने Binance पे लॉगिन कर रखा है एंड ये है फर्स्ट इंटरफेस ऑफ Binance NFT Marketplace. ओके, अब यहां पर देखिए टॉप कलेक्शंस लास्ट 24 आवर में जो NFTs टॉप कलेक्शंस में है, उन सब की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ गई. आप यहां पर जो है अलग अलग देखिए चेन के ऊपर भी कलेक्शंस को देख सकते हैं. जैसे यहां पर Binance NFT Marketplace में रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो दो ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी NFTs को डिस्कस और डिस्प्ले किया जाता है. फर्स्ट है BNB चेन, Binance स्मार्ट चेन जिसको आप बोलते हैं, और सेकंड है इथेरियम. ओके, सो BNB चेन पर कौन कौन सी NFTs लास्ट 24 आवर में टॉप कलेक्शंस में है, आपके सामने वो आ गई. और अगर आप इथेरियम में देखना चाहें तो जब आप इथेरियम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इथेरियम की सारी NFTs आ गई. तो NFTs का प्राइस कितना है, नंबर ऑफ चेंजेस क्या हुआ है, नंबर ऑफ ऑनर्स कितने हैं, आइटम्स कितनी है, 24 आवर के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है, चेंजेस क्या हुआ है, फ्लोर प्राइस क्या है, Everything you know Binance के इस पर्टिकुलर NFT marketplace पर गिवन है, दोनों की दोनों चेन से रिलेटेड, BNB चेन से रिलेटेड भी और इथेरियम चेन से रिलेटेड भी.
इसके बाद जब आप लोग मोर पर क्लिक करते हैं तो देखिए मोर पर आपको यहां पर ऑल नेटवर्क ऑप्शन मिलता है, और ऑल नेटवर्क पर भी जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको बाइनेंस के एनएफटी मार्केट प्लेस में दो ही नेटवर्क दिखाई देंगे, बीएनबी चेन और इथेरियम। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अगर एनएफटीज के बारे में सीखना चाहते हैं, एनएफटीज को मिंट करना चाहते हैं, तो कौन से टॉप क्रिएटर्स हैं, वो भी यहां पर कैटेगरी गिवन है, टॉप क्रिएटर्स ऑफ एनएफटीज। ये देखिए आप भी इन्हीं लिस्ट में शामिल हो सकते हैं अगर आप लोग बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस में पूरा फोकस करें थे। इसके बाद टॉप एनएफटीज कौन सी है वो भी आपके सामने आ गई, उसके बाद टॉप मिस्ट्री बॉक्सेस ये भी हमारे सामने आ गए। इस सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस पर हम अपनी एनएफटीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो मेरा ये प्रोफाइल कंप्लीटली आपके सामने है। यहां पर सबसे पहले देखिए माई एनएफटीज है, अभी तक मैंने कोई एनएफटी नहीं बनाई है, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो यहां पर अभी कोई भी एनएफटी शो नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर दो टाइप की जो है असेट्स दिखाई जा रही है, रेगुलर एनएफटीज और मिस्ट्री बॉक्स। अभी कोई भी आइटम नहीं है, इट मींस दे बोथ आर जीरो। कलेक्टेड जितने एनएफटीज मैं बाइनेंस पे कलेक्ट करूंगा वो यहां पर सारी दिखाई देंगी, जितनी मैं क्रिएट करूंगा फिर उनमें से जितनों को मैं फेवरेट में सेलेक्ट करूंगा ये सारी यहां पर अवेलेबल है। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब आप लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बाइनेंस ने एक आपको ट्यूटोरियल भी बना कर दिया है, मतलब बाइनेंस हमारी भी हेल्प कर रहा है कि आप बाइनेंस के एनएफटी मार्केट प्लेस पर मिंट कैसे कर सकते हो। देखिए साफ इसमें हेडलाइन भी है, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम मिंटिंग ऑन बाइनेंस प्लीज वॉच द वीडियो बिलो। तो यहां पर 3 मिनट का एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है, और बाइनेंस हमारी पूरी मदद करता है कि हम लोग अपनी एनएफटीज को कैसे पहली बार बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस पर मिंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत अगर डाउट रह जाए तो आप लोग अपना एनएफटी मार्केट प्लेस ज्वाइन करके फाइनली फर्स्ट मिंटिंग कैसे करनी है वो भी आपके सामने ट्यूटोरियल जो है वो समझाया गया है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है, मैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में चलता हूं और यहां पर देखिए थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट का, क्रिएट मतलब एनएफटी क्रिएट का। सो मैंने सिंपली क्रिएट किया। अब ध्यान रखिए जब भी आप लोग एनएफटीज को क्रिएट करेंगे तो यहां पर एक सिंपल सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपके मिनिमम 2 फॉलोअर्स होने चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मिनिमम आपके प्रोफाइल पर 2 फॉलोअर्स होने चाहिए। अब मेरे रिसेंटली, आज ही मैंने बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस ज्वाइन किया है, मेरे रिसेंटली 14 फॉलोअर हो चुके हैं, इट मींस कि मैं बाइनेंस पर एनएफटीज को मिंट और क्रिएट कर सकता हूं। तो चलिए क्लिक करते हैं क्रिएट पे, और देखिए जब मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो यहां पर जो बाइनेंस की टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमारे सामने आ गई सारी की सारी, और इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद फाइनली आई क्लिक ऑन एक्सेप्ट। तो देखिए जब मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया एक मैसेज बॉक्स मेरे सामने आ गया, क्रिएट अ न्यू कलेक्शन बिफोर मिंटिंग एनएफटीज। जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप लोगों ने किसी भी और एनएफटी मार्केट प्लेस पर कभी कोई एनएफटीज को मिंट किया हो तो एनएफटीज को क्रिएट और मिंट करने से पहले आपको अपनी एक कलेक्शन बनानी पड़ती है। कलेक्शन को एक सिंपल टर्म में समझाऊं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक पर जब आप कोई फोटोज अपलोड करते हैं और आप एक टाइम पर मल्टीपल फोटोज अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसका एक मेन हेडलाइन बना देते हैं कि ये मेरे कजन्स की वेडिंग की फोटोज है। ओके, सो एक एल्बम बन जाती है आपको कजन्स वेडिंग, ओके, सिस्टर्स वेडिंग, ब्रदर्स वेडिंग, ओके, पेरेंट्स मैरिज एनिवर्सरी। तो एक तरीके से हम लोग एक एल्बम बनाते हैं, उसी एल्बम को हम लोग एनएफटी या क्रिप्टो की टर्म में कलेक्शन बोलते हैं। सो क्रिएट अ न्यू कलेक्शंस बिफोर मिंटिंग एनएफटीज। ओके, सो सबसे पहले मैं कलेक्शंस जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। सो मैंने एक सिंपली कलेक्शन पर क्रिएट किया। अब यहां देखिए क्रिएट अ कलेक्शन मतलब आप एक एल्बम का नाम रखने जा रहे हैं या आप एग्जैक्टली जो है अपनी कलेक्शंस को क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, सो ये 2 ऑप्शन आपके सामने है, आप कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ये ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ न्यू कलेक्शन बिफोर मिंटिंग एनएफटीज। ओके, सो यहां पर मैं कलेक्शन पर क्लिक कर लेता हूं, और यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज। ओके, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग किसी भी एनएफटी मार्केट प्लेस पर ठीक है ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, एनएफटीज को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एनएफटीज को क्रिएट और मिंट करना स्टार्ट करते हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है, वी आर इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, और डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में जब भी हम एनएफटी मार्केट प्लेस विजिट करेंगे तो पहले हम लोगों को अपना जो वॉलेट है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। ओके, सो आपको अपना मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, जो भी आप यूज करते हैं आपको वो कनेक्ट भी करना है। तो कनेक्ट कैसे होगा वो भी आप लोगों को सिंपली, जैसे ही आप लोग बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस ज्वाइन करेंगे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले कनेक्ट का ऑप्शन है, तो सिंपली आप लोग अपने मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर हम लोगो इमेज पे आते हैं। सबसे पहले 350x350 की लोगो इमेज है, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक लोगो इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, और लोगो इमेज के लिए मैं अपनी एक फोटो पिक कर लेता हूं यहां से, जैसे सपोज कि मैं अपनी एक फोटो पिक कर लेता हूं, ये मैंने अपनी बना दी। अब यहां पर देखिए
ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपका फाइल का साइज है, जो आप लोग लोगो बना रहे हो उसका जो साइज है, या आपकी एनएफटीज का भी जो साइज होगा उसका जो टोटल साइज, वो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अपलोड फाइल साइज कैन नॉट एक्सीड 1 MB, 1 MB से ऊपर का साइज नहीं होना चाहिए। तो मैं आई नो पर क्लिक कर देता हूं और दोबारा से 350x350 की कोई और एक नई पिक जो है उसे सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो सिंपली मैं सबसे पहले ये अपनी पिक सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए ये पिक जो है वो 1 MB से स्मॉल साइज की है, तो यहां पर ही अपलोड होगी, तो आपको एक कंडीशन ये भी क्लियर हो गई। तो ये आगे लोगो इमेज, और लोगो इमेज में आप ये देख रहे हैं ये यहां पर जो है मेरा लोगो इमेज बन गई। बैनर इमेज जो है वो भी रिकमेंडेड है, तो यहां पर जेपेग, पीएनजी या जीआईएफ आप किसी भी टाइप का बैनर जो है वो यूज कर लेते हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं और एक बाय डिफॉल्ट जो है एक बैनर इमेज मैं यहां पर एक सेलेक्ट कर लेता हूं। सो बैनर इमेज मैं अपनी बीएनबी रख लेता हूं अभी फिलहाल। सो ये भी बीएनबी वाली जो मेरी बैनर इमेज है ये यहां पर क्रिएट हो गई। यस देखिए ये बीएनबी की बैनर इमेज आ गई। अब आता है सबसे पहले नेम। ओके, जो आप कलेक्शन बना रहे हो आपकी कलेक्शन का नेम क्या होना चाहिए। नेम कैन नॉट बी चेंज वंस अ कलेक्शन इज क्रिएटेड। ये ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले यही चीज करनी है, जब आपका कलेक्शन क्रिएट हो गई तो अब आपका नेम जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर अपना कलेक्शन का एक नेम बना लेता हूं, और मैंने कलेक्शन का नेम बना लिया क्रिप्टो मार्क। ओके, यहां पर आप लोगों को सिंबल जो है वो अपना क्रिएट करना है। अब सिंबल एग्जैक्टली होता क्या है, अब आपको यहां पर ये चीज सोचनी है। सिंबल मींस जब आप अपने किसी टोकन को, किसी क्वाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके सिंबलाइज फॉर्म में, तो वहां पर हम एक सिंबल यूज करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन, बिटकॉइन का सिंबल क्या है, BTC। इथेरियम, इथेरियम का सिंबल क्या है, ETH। उसके बाद हम लोग बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस का सिंबल क्या है, BNB। ओके, बाइनेंस का जो स्टेबल प्रोजेक्ट है, BUSD। टेथर, USDT। तो ये क्या बनते हैं, सिंबल। तो ऐसे ही मैं अपना क्रिप्टो मार्क का CRM जो है वो एक सिंबल बना लेता हूं। तो सिंबल भी आप लोग यहां पर अपना क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल विल बी यूज्ड टू क्रिएट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी चेंज वंस कलेक्शन क्रिएटेड। तो आपका जो सिंबल है वो किस लिए बनाया जा रहा है, सिंबल विल बी यूज्ड टू क्रिएट योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बाइनेंस ने आपका कलेक्शन में सिंबल कंफर्म किया है। तो मैंने यहां पर अपना सिंबल बना लिया CRM। अब आता है डिस्क्रिप्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं ऑफिशियल क्रिप्टो मार्ग NFTs कलेक्शंस। ओके, सो ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन राइट आउट कर दी। अब आता है कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर कैटेगरी हेल्प यूजर टू फाइंड योर कलेक्शन, प्लीज नॉट दैट यू कैन नॉट चेंज इट्स वंस कलेक्शन क्रिएटेड। ये है आपकी NFT की कैटेगरी। ओके, सो अब आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये ध्यान देना है कि आप किस टाइप के NFTs को डेवलप करना चाहते हो। गेमिंग बेस्ड है, एंटरटेनमेंट बेस्ड है, आर्ट है, स्पोर्ट्स है, कलेक्टिबल्स है, या फिर NFT फॉर गुड है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली एक आर्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैंने आर्ट पर क्लिक कर लिया, और आप इसमें मल्टीपल कलेक्शन भी बना सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट अकाउंट। ओके, सो इट्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने एंटरटेनमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली या गेमिंग की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो आप दूसरा नहीं बना पाओगे। आप मल्टीपल कलेक्शन बनाकर उसकी कैटेगरी को डिफरेंट भी कर सकते हो। तो मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले मैंने आर्ट नाम की कैटेगरी बनाई। अब यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है नेटवर्क की सेलेक्शन करना। Binance NFT Marketplace पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं देयर आर टू नेटवर्क्स, ETH और BSC। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं Binance Smart Chain का ही रख देता हूं, BNB Smart Chain। अब यहां पर आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनर एड्रेस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनर एड्रेस मींस क्या, आपके वॉलेट का एड्रेस। स्किप वॉलेट एड्रेस फॉर नाउ। अगर आप चाहें, अगर अब तक आप लोगों ने अपना वॉलेट एड्रेस नहीं मतलब क्रिएट किया है तो आप यहां पर स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी वॉलेट का एड्रेस है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो वॉलेट एड्रेस है, यूज बिलो वॉलेट एड्रेस फॉर माय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर आप लोग अपना वॉलेट का जो एड्रेस है वो भी यहां पर लिख जो पेस्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना मेटामास्क वॉलेट ओपन कर लेता हूं, और यहां पर जो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन, देखिए मैंने ऊपर ओपन कर रखा है नेटवर्क BSC, और ये है मेरा अकाउंट नंबर 1। तो यहां पर मैं अब इसका अकाउंट नंबर 2 ओपन कर लेता हूं। तो अकाउंट नंबर 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया। सो ये मेरा जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का अकाउंट नंबर 2 बन गया। आप मल्टीपल अकाउंट भी, सिंगल अकाउंट करना है तो कोई भी अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मल्टीपल अकाउंट बनाकर रखे हैं तो मल्टीपल अकाउंट में से एक ही अकाउंट को चूज करके अपना वॉलेट का एड्रेस यहां कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने अपना सेकेंड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और इसको यहां से मैंने कॉपी कर लिया। तो सेकेंड का जो एड्रेस है वो मैंने कॉपी कर लिया, और ये है मेरा बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क। सिंपली मैं यहां आया और यहां पर मैंने इसको आकर एड अ वॉलेट पर क्लिक कर दिया। अब BNB चेन है तो BNB चेन पर मैंने कंफर्म किया मेटामास्क वॉलेट,
देखिए जब मैंने मेटामास वॉलेट पर क्लिक किया तो देखिए ये सिंपली जो मेरे मेटामास वॉलेट से बीएससी चेन जो वो कनेक्ट हुई अप्रूव किया, और ये देखिए ये अब बीएससी से बीएनबी स्मार्ट चेन मेननेट जो है वो स्विच नेटवर्क हो गया। स्विच नेटवर्क होने के बाद कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आया, तो अब ये देखिए ये कनेक्ट जो है मैंने अकाउंट नंबर 2 ओपन कर रखा था, तो अकाउंट नंबर 2 से ऑटोमेटिक जाकर ये साइन होगा। अब साइन होते ही सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी और मेरा ऑथेंटिकेटर कोड जो है उसको फाइनली बाइनेंस कंफर्म करेगा। तो अब आप ये देखिए मेरा जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहां पर कैसे कनेक्ट हुआ वो देखना चाहूं तो ऐड अ वॉलेट पर क्लिक करूंगा, बीएनबी चेन दोबारा सेलेक्ट करके कंफर्म करूंगा, तो यहां पर देखिए लिखा आ गया करंटली कनेक्टेड, यानी कि मेरा मेटामास्क वॉलेट जो है फाइनली वेरिफिकेशन हो चुकी है, मेरा मेटामास्क वॉलेट इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल्टी फी की, तो रॉयल्टी फी इट्स टोटली अप टू यू, बट यहां पर देखिए लिखा क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रॉयल्टी फी सेट करने से पहले आपको ऊपर की लाइन पढ़नी जरूरी है। तो क्या लिखा है, कलेक्ट अ फी व्हेन अ यूजर रीसेल एन आइटम यू ओरिजिनली क्रिएटेड। मान लीजिए आपने एक एनएफटी क्रिएट की, आपकी एनएफटी किसी ने बाय कर ली, अब जिसने आपकी एनएफटी बाय की वो आपकी एनएफटीज को सेल करेगा, इट मींस रीसेल हो रही है, तो उस रीसेल में आप अपनी कितनी परसेंटेज को सेट करेंगे। तो यहां पर जो परसेंटेज है वो बाइनेंस ने रिकमेंड की है अप टू 10%, क्योंकि देखिए आपकी एनएफटी कोई क्यों सेल करेगा जब उसको अच्छा पैसा मिल रहा होगा, अच्छी कमीशन मिल रही होगी। तो यहां पर बाइनेंस का रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी रीसेल की जो परसेंटेज है उसका 10% जो है वो सिर्फ सेट करें, अप टू 10%, 5, 7, 8, 9, 10, 2 जो भी आप करना चाहे। And you cannot change this once collection created. आप इसको change भी नहीं कर सकते हैं। So सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? Enter fee जो है, मैं 5% कर लेता हूँ। अब उसके बाद आप अपने जो social media link है, उसको भी यहाँ पर share कर सकते हैं। So मैं यहाँ पर जो मेरा Twitter का profile है, ये मैं यहाँ पर Twitter का profile मैंने share कर दिया। Telegram भी कर लेते हैं। Okay, तो मैंने Twitter और Telegram दोनों यहाँ connect कर दिए। फी जो है देखिए एस्टिमेटेड फी, अब यहां पर बाइनेंस के एनएफटी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एनएफटी मार्केट प्लेस पर जो एनएफटी को मिंट करना है, अपनी कलेक्शन क्रिएट करनी है, वहां जो एस्टिमेटेड फी है दोस्तों वो है 1 BNB की। तो 1 BNB ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहां पर मैंने आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर दिया। अब यहां आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपका रह गया हो तो उस पर भी हमें दोबारा से एक बार ध्यान दे लेना है। अगर आपके वॉलेट में 1 BNB अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली ये जो क्रिएट ऑप्शन है ये आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपके सामने डिपॉजिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सिंपली आप डिपॉजिट पर क्लिक करके BNB को बाय कर सकते हैं और फाइनली अपनी कलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एनएफटी मार्केट प्लेस पर अपनी कलेक्शंस क्रिएट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दोबारा से मैं क्रिएट ऑप्शन पर चलता हूं, और जब मैंने दोबारा से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब यहां देखिए क्रिएट अ न्यू कलेक्शन बिफोर मिंटिंग एनएफटी, फर्स्ट टाइम मिंटिंग ऑन बाइनेंस एनएफटी। अब ये तो हो गया कलेक्शन क्रिएट का। अब मैं कहता हूं कि मुझे कलेक्शन अभी क्रिएट नहीं करनी, तो आई क्लिक ऑन कैंसिल। जैसे मैंने कैंसिल पर क्लिक किया तो अब देखते हैं कि बाइनेंस में एनएफटी को क्रिएट करने का क्या ऑप्शन है। लेकिन नीचे जो देखिए एक एनएफटी को मिंट कराने का जो एस्टिमेटेड फी है 0.005 BNB है। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी कलेक्शंस में एनएफटी चली जाएगी। अगर आप लोग कोई नॉर्मल एनएफटी को बाइनेंस एनएफटी मार्केट पे क्रिएट और मिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एवरी एनएफटी जो है वो इतनी फी एस्टिमेटेड जो है वो आपके सामने निकल कर आ रही है। ओके, सो यहां पर भी आपको सेम ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले आपको आपकी एनएफटी की इमेज को पिक करना है, तो यहां पर मैं सबसे पहले अपनी एक एनएफटी की इमेज पिक कर लेता हूं। सो दिस इज माय एनएफटी इमेज, ये सामने आ गई आपके, ये एनएफटी की मैंने इमेज बना ली। देन हम बात करते हैं एनएफटी का नाम, तो मैं अपना एनएफटी का नाम लिख लेता हूं, अपना ही नाम रख लेता हूं अभी तो, राजीव आनंद, क्योंकि दिस इज माय 3D पिक। ओके, सो यहां पर डिस्क्रिप्शन साइन, सो राजीव आनंद फ्रॉम क्रिप्टो माग YT चैनल। ओके, बीएनबी स्मार्ट चेन या ETH, मैंने ऑलरेडी बीएससी बीएनबी स्मार्ट चेन जो है उसको सेलेक्ट कर रखा है। अब यहां पर देखिए जो कलेक्शन है वो बिल्कुल हाईलाइट है, इसका मतलब जब भी आप लोग बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस पर कोई भी एनएफटी को मिंट या क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे आप वो कलेक्शन क्रिएट करोगे तो आप उस कलेक्शन के अंदर अपने एनएफटी को इंसर्ट कर सकते हो। अब यहां पर ये आता है प्रॉपर्टी का ऑप्शन, जो ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहो तो यहां पर क्लिक कर सकते हो, इसका टाइप क्या है और एनएफटीज में इसका प्रॉपर्टीज क्या है ये आप इंसर्ट कर सकते हो। एड मोर का ऑप्शन भी है, आप अलग से टाइप भी रख सकते हो और नेम भी रख सकते हो अपनी एनएफटीज का। ओके, अब आता है फी, यानी कि अब देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ फी,
पहला कलेक्शन क्रिएट जिसकी एस्टिमेटेड फीस है 1 BNB, दूसरा उस कलेक्शन के अंदर जब आप लोग NFTs को ट्रेडिंग के लिए NFTs को क्रिएट और मिंट करोगे तो आपको एवरी NFT पर जो अनएक्सपेक्टेड फीस है उसका एस्टिमेटेड निकल कर आता है 0.005 BNB। सो ये अगर आपके वॉलेट में अवेलेबल है तो आप इजिली बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस को यूज करके अपनी NFTs को क्रिएट कर सकते हो और बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कलेक्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज द ओवरऑल अपडेट्स फ्रॉम बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दिस इज द ओवरऑल अपडेट्स फ्रॉम बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्रिप्टोमार्क यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।